अधूरा है, कहीं कोई कला संस्कृति। और ये हम उनके दोनों के जीवन के विविध प्रसंगों को देख करके ध्यान में ले लेते हैं। हमको मालूम है कि कालिया नाग के ऊपर भी जो कोई नृत्य कर सकता है तो वो केवल केवल गोपाल ही हो सकता है, गोपाल कृष्ण का ही स्वरूप हो सकता है, जिनने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में भी मुस्कुराते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के पहले संसार को मैसेज दिया, संदेश दिया। और हम सबको मालूम है कि जिसको तमाम जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी, जिनके जन्म के पहले से और जन्म के बाद भी जीवन भर संघर्षों का, जीवन भर कठिनाइयों का, एक के बाद एक उनको कष्टों का, लेकिन भगवान कृष्ण सदैव सारे कष्टों के बावजूद भी हर समस्या के समाधान में कला संस्कृति और उनके जीवन की पाठशाला, वो भी सांदीपनी आश्रम। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल्चर मिनिस्ट्री ने उसमें भी काम किया है और हमारे लिए 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, आज भी वो हमारी शिक्षा में उन सारे पाठ्यक्रमों की गुंजाइश बाकी। वो कौन सी 64 कला, कौन सी 14 विद्या पाठ आज भी हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस बनाते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक बार अभिनंदन करें यशवंत, हमारे यशवंत प्रधानमंत्री, जिनके माध्यम से जीवन के सब क्षेत्रों में भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, हम उनको स्मरण करें, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी कला संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, सनातन संस्कृति सबसे जोड़ करके, शिक्षा का मतलब केवल कागज की डिग्री नहीं होना चाहिए, शिक्षा का मतलब संपूर्ण जीवन का विकास, और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का भी पाप नहीं किया है। काल के अतीत के प्रभाव में हुआ होगा लाड मेघालय के माध्यम से, जब उनको अंग्रेजों को अपनी जड़ें जमाने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से जीवन की अपनी जो हर एक के पिंड के अंदर अपार संभावना छिपी रहती। और कितना अच्छा लगा वास्तव में, जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं और अलग अलग हमारे राज्यों की संस्कृति के पथिक दल अपने अपने हिसाब से नृत्य करते आनंद उत्सव के साथ, और ये हमारी संस्कृति की विशेषता है जो हमेशा जयंती मनाती। वो कोई और होंगे जो मरणोत्सव की बात करते, जिसका जन्म हुआ उसको तो शरीर छोड़ना ही है, लेकिन आने और जाने के क्रम में जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से गुजारे, यही हमारी संस्कृति और इसी को सनातन संस्कृति कहते हैं। और इसको हम सार्वभौमिक रूप से देखें तो वसुधैव कुटुंबकम का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है वो यही तो है, इसके बाहर क्या है। तो ये जो हम पूरी वसुधा को कुटुंब की तरह अगर देखने की बात करते हैं तो सब में कुछ न कुछ, कुछ न कुछ अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये छोटे छोटे वाक्य सूत्र वाक्य रूप में हमको पूरे देश की एकता के साथ खड़ा करते हैं, पूरे देश के आनंद के साथ खड़ा करते हैं। और हर पर्व में कितना छोटी छोटी बात है लेकिन कितने महत्व की बात है, हमारा अपना भी बिछड़ जाए तो होली पे रंग डल जाए तो हमारा अपना वो जो शोक निवारण हो जाएगा, और शोक निवारण से फिर नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और होली के रंगों के साथ भी सब प्रकार के रंगों से सराबोर होकर के जीवन की ललक ढूंढते हुए दीपावली के दीप उत्सव में हम अपने सूर्य की आराधना के साथ सारी संस्कृति को समेट करके प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक पर्व और प्रत्येक पर्व के साथ, प्रत्येक त्योहार के साथ अपनी कला संस्कृति को जोड़ करके जीवन की जो विशिष्ट शैली हमारे ऋषि मुनियों ने दी, हमारे पूर्वजों ने दी, वाकई वो अद्भुत है। और अभी अपन देखे तो अगर छोटे छोटे अभी बहुत सारे मुझे हमें घुमा माननी महामहिम भी गए तो हमारे घुमंतु जाति के अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला, तो वो चाहे किताबी ज्ञान की दृष्टि से कुछ भी हो सकता है लेकिन मानवता के जो संस्कार उनकी और उन्हें जो अपनी कला को चला करके संभाल कर रखा है, मैं वाकई अभिभूत हूँ। और ये मैं बधाई देना चाहूंगा आज हमारे लिए परमात्मा की दया से, गणतंत्र दिवस का आज विशिष्ट अवसर है और जनता का तंत्र जनता को लागू करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दिनों दिन इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और इन सारी बातों को समेटते हुए आधुनिकता से भी हमारा गुरेज नहीं, हम परहेज नहीं करते, नित नवीन नूतन नया ग्रहण करते जाए लेकिन प्राणियों को ना भूले, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का ये सार वाक्य समझ सकते हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।
नव गति नव लयताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव 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 के नव भी हद रंग को नव पर नव सौदे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई उम्मीदें जगाई हैं हमारे सुदूर अतीत को याद करते हुए आज तक जो कृष्ण का सनातन हमारा बना हुआ है संस्कृति का मुझे रेखांकित किया। आखिरी देवी सूचनों के अवसर है जब एक बात आप सबसे साझा करने को मन करता है कि भारत सरकार ने हमारे अपने प्रदेश के दो लोक कलाकारों को पद्मश्री अलंकरण के लिए चुना है। ये दोनों कलाकार मालवांचल के हैं, एक का रिश्ता सीधा उज्जैन की यानी मालवा की मांस परंपरा से है जिन्हें ओम प्रकाश शर्मा के नाम से हम सब जानते हैं, और दूसरे हमारे कबीर लोग